नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। दोनों ही पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा पर बड़ा हमला बोला है और भूपेश बघेल ने यह कहा है कि हिमंता जो है वो नया मुल्ला है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा प्याज खाएगा। इस तरीके का ये एक विवादित बयान जो है वो भूपेश बघेल की ओर से दिया गया है। जाहिर तौर पर इसकी वजह बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा लगातार चुनाव प्रचार अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं जहां पर चुनाव है, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, और लगातार वो वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार उनकी नीतियों पर हमला बोल रहे हैं। हिमंता ने अब चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना बाबर को प्रोत्साहित करने जैसा है। गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दीजिए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश का बाबर लोगों को एनकरेज मिलना है। अगर कांग्रेस को आप वोट देता है तो औरंगजेब लोगों को विटामिन मिल जाते हैं। ये जगह में अगर कांग्रेस जीतता है, देश का बाबर औरंगजेब देश का कोने कोने में हमारा लोगों का ऊपर अत्याचार शुरू कर देगा। आज कर्नाटक में कांग्रेस जीता, कर्नाटक में डेली क्या हल्ला होता है आप लोग सुनते रहिए। डेली कहां से बाबर औरंगजेब लोगों को ऑक्सीजन मिल गया पता नहीं, हल्ला शुरू कर दिया। कांग्रेस जीते और तुरंत वो लोग का हल्ला शुरू, यही है वो लोग का राजनीति। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब हिमंता बिस्व शर्मा पर के बड़ा हमला बोला है और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जो जवाब दिया है उसमें ये कहा है कि हिमंता बिस्वा को आता क्या है, नया नया मुल्ला है, ज्यादा प्याज खाएगा, अभी अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया है इसलिए वो ज्यादा बोल रहा है, बाकी लोग कम बोल रहे हैं। ये पूरा बयान है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो जाहिर तौर पर चुनाव में जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, जो तमाम बड़े लीडर हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हुई है, 20 सीटों पर मतदान हुआ है और उसके बाद बीजेपी लगातार इस बात को लेकर श्योर है कि उनकी जीत जो है इन 20 में से कम 18 सीटों पर वो जीत रही है। यहां तक कि जीत का जश्न भी बीजेपी ने मनाना शुरू कर दिया है। हालांकि चुनाव नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी को इतना भरोसा है कि इन 20 में से लगभग 18 सीटों पर उनकी जीत पक्की है। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता जिस तरीके से लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भूपेश बघेल को अलग अलग मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है महादेव बैटिंग ऐप, जिसपे 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल तक पहुंचा है। ये बड़ा खुलासा ईडी की ओर से किया गया और जिसके बाद वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जिसने महादेव के नाम का इस्तेमाल करके ये बड़ा घोटाला किया है, उसे तो कामाख्या माता भी जो है माफ नहीं करेगी। इस तरीके के जो बयान हैं वो लगातार चल रहे हैं और अब ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बौखलाहट जो है भूपेश बघेल ने अपने इस बयान में दिखाई है, जहां पर उन्होंने हिमंता को नया मुल्ला करार दिया है और कहा है कि दरअसल वो ज्यादा प्याज खाएंगे, अभी अभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। हालांकि असम के मुख्यमंत्री का ये अंदाज हमने हर एक राज्य में देखा है, जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से सवाल करते हैं कि आखिर अयोध्या में कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता गया है, रामलला के दर्शन कौन से नेता ने किए हैं, राम मंदिर जिसे वो काल्पनिक बताते थे भगवान राम को, लेकिन आज उसका भव्य राम मंदिर बन रहा है,
क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएगा? ये तमाम सवाल हेमंता की ओर से पूछे गए हैं और यही वजह है कि इस तरीके की ये बौखलाहट जो है वो अब असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ देखने को मिल रही है। हालांकि सिर्फ हेमंता ने नहीं बल्कि में आज जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। जसपुर में उन्होंने उस रैली को संबोधित किया था और राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर धर्म परिवर्तन, महादेव सट्टा ऐप, नक्सलवाद और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जमकर हमला अमित शाह ने भी कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बोला था। उन्होंने क्या करा, महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें गबना, आवास भेजे उसमें गबना, कोरोना का राहत भेजा उसमें गबना, हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन करा है, भूपेश कक्का। पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है। और ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम आदिवासी भाई बहनों की सहमति के बिना धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। ये वादा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया। इसके अलावा महादेव बैटिंग ऐप का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और ये उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर भगवान शंकर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और ये काम किया। और यही कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खोलने का काम किया है। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि महादेव को तो छोड़ देते, भगवान महादेव को तो इस तरीके से उसके नाम का इस्तेमाल ना करते। ये तमाम हमले जो है एक तरीके से वो अमित शाह की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर बोले गए हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, कुल 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से 20 पर मतदान हो चुका है। अभी भी 70 सीटें बाकी हैं। हालांकि कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो चुका है और बीजेपी को यह भरोसा है कि वो छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो घोटाले हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही बात कर ली जाए, महादेव जो सट्टा ऐप है वो सबसे बड़ा घोटाला है जिसके तार ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दुबई तक हैं और खुलासे लगातार इस पूरे मामले में हो रहे हैं। इसके अलावा गोबर घोटाला हो, चाहे फिर वो कोयला घोटाला हो या फिर शराब घोटाला हो, तमाम घोटालों के कनेक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के मामले, ये घोटाले मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ा सकते हैं छत्तीसगढ़ में। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की ये बौखलाहट देखने को मिली है, इस तरीके से हेमंता बिस्व शर्मा को लेकर ये हमला बोला गया है। लेकिन देखना ये होगा कि असम के मुख्यमंत्री अब ये भूपेश बघेल के इस बयान पर क्या कुछ पलटवार करते हैं और क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया जो हैं इस पूरे मामले पर देखने को मिलती है। लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे दूसरे चरण के चुनाव की तारीख करीब आ रही है, जुबानी हमलों का दौर काफी ज्यादा तेज हो रहा है। बीजेपी ये साफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का हम सूपड़ा साफ कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो है वो सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है और हमने ये कार्य किए हैं कि हम सत्ता पर काबिज होंगे। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि ये जुबानी हमले जो हो रहे हैं किस पर कौन कितना भारी पड़ता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।